खूबसूरत सी खास बात होती है, और इस वीडियो की खास बात यह है कि जितने भी आप हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स देखने वाले हो वो सारे 500 और 1000 रुपए के अंदर में होने वाले हैं। पहला जो हमारा ब्रांड है भाई वो है सीधा सिंबल। सिंबल एंड मार्बल का आपको टैग देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 1999। कितना आपको पे करना वो मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा। वैसे अगर कलर की बात करें ना, एक बहुत खूबसूरत डल ऑरेंज कलर का ये स्वेटशर्ट है। हालांकि अगर एग्जैक्ट कलर की बात करें ना, तो ब्रांड ने मेंशन किया है बोसा नोवा। राउंडिंग मिलता है आपको, फुसली मिलता है, नीचे का फैंड में कफिंग, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है। नेक के पास भी ना आपको वही हेम देखने को मिलेगा, साथ ही अंदर में आपको सिंबल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और चूंकि ये एक ऑफिशियली कोलैबोरेटेड टी-शर्ट है, अंदर में आपको मार्बल की भी ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। सेंटर चेस्ट पे आपको एक सिंपल सा मिनिमल सा प्रिंट देखने को मिलता है, रबराइज्ड प्रिंट है, हल्का सा एम्बोस्ड है प्रिंट, और यहाँ पर आपको एवेंजर्स का ए देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। बाकी पूरा स्वेटशर्ट आगे से पीछे से प्लेन है, और यही इसकी खास बात है। विंटर में जब भी आप स्टाइलिंग करते हो, फैशन की तरफ जाते हो ना, जितना प्रिंट्स डिजाइंस अवॉइड करके टेक्सचर्स या सॉलिड्स पे रहोगे उतना ज्यादा आपका लुक निखर कर आएगा। अंदर के अगर फर की क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली आपको हैवी फर यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन प्राइस वाइज ना आपको एक अच्छी क्वालिटी फील होगी। आउटर साइड में आपको मार्बल की छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और सबसे बेस्ट बात क्या है, इस स्वेटशर्ट के साइड साइड में आपको पॉकेट्स भी मिलते हैं। यूजुअली जब भी मैं स्वेटशर्ट पहनता हूँ ना, हमेशा मेरे हाथ ऐसे होते रहता है, हाथ बार बार ना वो पॉकेट ढूंढता है ऐसे लटकने के लिए। वो आपको दूसरे में नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, और प्राइस के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये अमेजिंग प्रीमियम हेवी स्वेटशर्ट आपको महज 600 रुपए के आसपास में मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। जब भी हम ऐसे वीडियोस बना रहे होते हैं ना जहाँ पर प्राइस कम रखनी होती है, ब्रांड्स ना ऑलरेडी छट चुके होते हैं, हमें बहुत ध्यान दे देकर ना एक एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट की ना पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ब्रांड का नाम है बोल्ड फिट, फटाफट से निकालते एक बहुत खूबसूरत ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट है। एंड ट्रस्ट मी आई लव द डिजाइन। फर्स्टली अगर कलर की बात करें, पूरा ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है। मॉक कॉलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस वक्त पूरे ट्रेंड में है। साथ ही इसमें आपको जिप देखने को मिलता है, क्वार्टर जिप है, और साइड साइड में आपको रबर की कोटिंग भी मिल जाएगी, तो वो जिप के थ्रू भी ना ठंडी हवाएं अंदर नहीं जा पाएगी। लेफ्ट चेस्ट पे आपको बोल्ड फिट की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, रिफ्लेक्टिव मटेरियल के थ्रू ब्रांडिंग की गई है। स्लीव्स के एंड में आपको कफ्स देखने को मिल जाएगा, एंड में आपको कोई हेम नहीं मिलता, तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉल करने वाला। बाकी अगर फैब्रिक की बात करें ना, यहाँ पर आपको सुपर कोम्ब कॉटन तो मिलेगा ही, एकदम कॉटन जैसा फील होता है, लेकिन साथ ही पॉलिएस्टर का थोड़ा सा ब्लेंड होगा, जिसके कारण वो इंसुलेशन में आपको हेल्प हो। अंदर की तरफ देखोगे तो वो पॉलिएस्टर यानी वो फर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर प्रोडक्ट के वेट की बात करें ना, थोड़ा सा हेवियर फील होता है, जो कि विंटर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही अंदर में आपको बोल्ड फिट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये हमने लिया है एम साइज, और एंड में भी आपको एक बड़ा सा पैच देखने को मिलेगा, यहाँ पर बोल्ड फिट के आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल एक बहुत ज्यादा सिंपल यूजेबल वर्सेटाइल ब्लैक कलर का स्वेटशर्ट है, जिसके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हो, और प्राइसिंग है इसकी 999। नेक्स्ट हम देखने वाले भाई एक खूबसूरत से हुडी, और इसकी प्राइसिंग भाई हुडी से भी हुडी हुडी है। इस वीडियो का सबसे सस्ता प्रोडक्ट, क्या क्वालिटी अच्छी होगी। ऑलराइट, ब्रांड का नाम है लियोट्यूड। भाई मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब जगह ये ब्रांड बेचती है, और सब जगह सस्ते में बेचती है। एक बहुत खूबसूरत ग्रे कलर की हुडी है। नॉर्मल आपको हुड देखने को मिल जाता है, फैशन वाइज यहाँ पर आपको कोई ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को नहीं मिलते। सेंटर चेस्ट पे आपको सैवेज की प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी, ये थोड़ी सी जेनरिक सी लग रही है। बाकी नीचे आपको कैंगरू पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे हेम मिल जाएंगे, हैंड में आपको कफ्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल अगर फैब्रिक या मटेरियल की बात करें ना, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पॉलिएस्टर ही फील होने वाला है। बिल्कुल ही प्रीमियम सा नहीं लगता, लेकिन प्राइस वाइज ना देखो ठीक ठाक प्रोडक्ट लगता है। बैक की तरफ से पूरा प्लेन है, एंड ओवरऑल अगर जज करें एक विंटर के लिए तो प्रोडक्ट डेफिनेटली ये नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको अगर एक सिंपल कम बजट में एक अच्छी हुडी चाहिए ना, इसके लिए जा सकते हो। लेकिन याद रखना, वॉश करने के बाद ना इसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें ना, देखो प्राइस वाइज आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये महज 450 रुपए का हुडी है। अगर आपको सिर्फ स्टाइलिंग के लिए कुछ समय के लिए पहनना है, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग रन वाली हुडी चाहिए ना, तो आप अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी जा सकते हो। नेक्स्ट वाली जो हुडी है ना, मैं सीधे मायने में कहूंगा कि बजट वाइज ना सबसे बेस्ट हुडी है इस पूरे हॉल की। ब्रांड का नाम है भाई इनकास्ट डेनिम। देखो इनकास्ट डेनिम, सिंबल, हाउस एंड सील, ये सारे ब्रांड्स जो है ना वो अमेज़न के इन हाउस ब्रांड्स है, यानी खुद के ब्रांड्स है। यहाँ पर प्राइसिंग लिखी हुई 2299, लेकिन एक्चुअल प्राइस आपको शॉक कर देगी। कलर की बात करें, बहुत ज्यादा यूनिक रस्टी ऑरेंज टाइप का कलर है। एग्जैक्टली ब्रांड इसे बोलती है जिंजर। कलर बहुत ज्यादा यूनिक एंड रिच है, बहुत ज्यादा ना सैचुरेटिव फील नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हुड की बात करें, आपको एक बड़ा सा हुड देखने को मिल जाएगा, अंदर में प्रॉपर आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी फैब्रिक की। हुड में आपको डॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के, और उसके नीचे आपको ना प्रॉपर पोलो जैसे ना दो बटन देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी अलग डिजाइनिंग है इसमें। लेफ्ट चेस्ट में
आपको दो पैचेस देखने को मिल जाएंगे, खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी नीचे की तरफ हेम मिल जाएंगे, हैंड में आपको कफ्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको कैंगरू पॉकेट नहीं बल्कि साइड साइड में पॉकेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन फ्रंट से देखोगे ना तो थोड़ा सा क्लीन लुक देता है। बैक की तरफ में यहाँ पर आपको कोई प्रिंट नहीं देखने को मिलता। अंदर की तरफ अगर फर की क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है प्राइस वाइज, क्योंकि प्राइस सुन के जाना आपको वो उसमें शौक लगेगा। अंदर में आपको इनका स्टेनिंग पे ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये हमने लिया है एल साइज। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। इस हुडी को हमने भाई महज 750 रुपए में खरीदा है। अगर कोई दूसरे ब्रांड बेचेंगे ना, आराम से इसे 1000+ में बेचेंगे। अगर आपको 750 में मिल रहा है, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। और अगर आपको ये कलर नहीं पसंद आ रहा, हर प्रोडक्ट के ना आपको मल्टीपल कलर्स देखने को मिलेंगे। मेक श्योर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर लेना अगर आपको खरीदना है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट से निकालते हैं भाई। ब्रांड का नाम है वियर्डो, एक बहुत खूबसूरत सा स्वेटशर्ट। लेकिन ये स्वेटशर्ट इस वक्त भाई ट्रेंड कर रहा है और बिल्कुल ही बिल्कुल नया इस साल में आया है। वियर्डो का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी हुई 1999। खास क्या है इसमें, ये स्वेटशर्ट भाई शॉर्ट स्लीव वाला स्वेटशर्ट है। कलर आपको दिख गया पर्पल, बहुत खूबसूरत कलर है। राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है। यहाँ पर फुल स्लीव होना था, हैंड में कफ होना था, लेकिन वो कफ की तरह निकल गया। बाकी नीचे की तरफ आपको हेम देखने को मिल जाएगा, अंदर में आपको फर मिलता है। एग्जैक्टली एक स्वेटशर्ट की तरह इसे बनाया गया है, लेकिन लोग टी-शर्ट वाला लुक, टी-शर्ट वाला प्यार ना छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, काट दिए ठाकुर के हाथ। बाकी बैक की तरफ देखोगे ना, आपको एक बहुत बड़ा प्रिंट देखने को मिलेगा, जायंट साइज का प्रिंट है, जहाँ पर गेम ओवर लिखा हुआ है। एक मॉन्स्टर प्लांट बना हुआ है, बर्प करके लिखा हुआ है ऊपर में, बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। प्रिंट की क्वालिटी प्राइस वाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। साथ ही इसके ओवरऑल जो फिटिंग भी है ना, थोड़ा सा बॉक्सी शेप टाइप का है, अच्छा लगता है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें देख लो। अच्छी बात क्या है ना कि ये फ्रंट से पूरा प्लेन है, तो जो तड़कता भड़कता दिखेगा ना वो पीछे से दिखेगा और पीछे से निकल भी जाएगा। अपन फ्रंट से एकदम क्लीन चिकना चिकना चकाक लगेंगे। लेकिन सबसे चकाक है भाई इसकी प्राइसिंग, महज 500 रुपए का ये प्रोडक्ट है। डेफिनेटली जाना चाहो ना जा सकते हो, तगड़ी चीज है भाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट दोस्तों उन लोगों के लिए जो ब्रांड ना देखकर ना बिंजल मछली हो जाते हैं, फटाफट निकालते हैं। ये ब्रांड्स कितना आवाज करती है। ब्रांड का नाम है भाई वैन ह्यूजन। फटाफट निकालते हैं खूबसूरत से मिनिमल स्वेटशर्ट को। वैन ह्यूजन का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी 1699। तो आपको पे नहीं करना। साथ ही ये अगर आप टैग देख लो ना, तो समझ लो कि उस प्रोडक्ट का ना कलर एकदम जबरदस्त होने वाला है। एक बहुत रिच डार्क नेवी ब्लू कलर का ये स्वेटशर्ट है। राउंडिंग मिलता है, फुल स्लीव मिलता है, कफ्स, हेम, सीआई सारी चीज आपको मिल जाएगी। एंड में आपको छोटा सा वैन ह्यूजन का टैग देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट चेस्ट पे एम्ब्रॉयडर्ड छोटा सा वी देखने को मिलता है। इस छोटी सी ब्रांडिंग ने ना लाखों के दिल जीत रखे। बाकी बैक की तरफ से पूरा प्लेन है, जैसा मैंने आपको बताया, एक बहुत सिंपल सॉलिड रिच लुक देने वाला ना स्वेटशर्ट है। अंदर की तरफ आपको हल्का हल्का फर देखने को मिल जाएगा। इन सारे स्वेटशर्ट्स को ना अगर आप शर्ट के ऊपर ओवरले करोगे ना भाई, जो लुक आता है ना वो जबरदस्त लगता है। मतलब मेरे थोड़ों पे नहीं, एकदम कॉर्पोरेटिव ऑफिस कल्चर वाले लोग होते हैं ना, जो वर्ल्ड में लीड करना जानते हैं, उन पे ये भाई जबरदस्त लगता है। हालांकि मैं आपको स्टाइलिंग करके तो दिखाऊंगा ही, ब्रांड का जो इंपैक्ट है ना वो आपको इस प्रोडक्ट में दिखेगा। कलर की जो रिचनेस है वो आपको इस प्रोडक्ट में दिखेगी। बाकी अगर फैब्रिक की बात करें, यहाँ पर आपको डेफिनेटली 80% कॉटन एंड 20% पॉलिएस्टर मिलने वाला है। वैन ह्यूजन का टैग मिल जाएगा और ये अमेजिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा 850 रुपए में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम हुडी देख रहे हैं भाई, वो है एक और अलग सी हुडी, मतलब अलग सा ब्रांड जिसे हमने कभी टेस्ट नहीं किया है। ब्रांड का नाम है एड्रो। कोई स्कूटर स्टार्ट होने से पहले कैसे आवाज आती है, एड्रो ड्रो 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 ड्रो। एड्रो का वो टाइम मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी 2799। वाह, लेट्स सी। नॉर्मल आपको हुड देखने को मिलता है, साइजिंग थोड़ी सी छोटी है इसके, और अंदर में आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलती, डायरेक्ट आपको फर मिलता है। ड्रॉ स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाएंगे, विच इज टोटली ट्रेंड से बाहर। फुल स्लीव मिलता है, आपको कफ्स देखने को मिल जाएगा, बॉटम में आपको हेम मिलता है, फ्रंट में कंगारू पॉकेट देखने को मिल जाएंगे। सेंटर चेस्ट पे आपको एक प्रिंट देखने को मिलता है, जहां पर थोड़ी सा ना एयरफोर्स टाइप की डिजाइनिंग की गई है, मतलब उस टाइप का लगता है मेरे को। ब्लैक येलो ब्लैक करके प्रिंट आप देख लो, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी अंदर के अगर फर की क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मिलती है। ऑल्दो ये तो है पूरा ऑलिव ग्रीन कलर का, लेकिन कलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक दो वॉश के बाद ना डेफिनेटली ये कलर छोड़ेगा। बाकी बैक की तरफ से पूरा प्लेन है, ओवरऑल क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो है इसकी प्राइसिंग। 999 का ये प्रोडक्ट है। 599-699 में होता ना तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा होते हुए भी प्राइस अच्छी नहीं है तो आप देख लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लास्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, एक बहुत खूबसूरत सी और हुडी, और ब्रांड का नाम है भाई क्रेजी मॉन्ग। ये रणवीर अलाहाबादिया ने क्लोथिंग ब्रांड तो नहीं शुरू कर दिया, क्रेजी मॉन्ग ऐसा
ग्रीन तो मैंने देखा ही नहीं लाइफ में यार, क्या अलग लग रहा है। रिजमोंग का आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 1599 रुपए। चलो ठीक है, लेट सी। आई लव दिस ग्रीन। हाँ ये जो ग्रीन है ना, क्या ग्रीन है, मतलब 10 भैंसियों ने 100 भैंसियों का गोबर खाया होगा तब जाकर ये ग्रीन निकला। अलग है भाई, अलग तो है। नमस्ते, आपको हुड देखने को मिल जाएगा, ड्रॉस्ट्रिंग देखने को मिलते हैं, अंदर में आपको कोई फैब्रिक लाइनिंग नहीं मिलती है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ये कोई एनिमे से रिलेटेड है मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, लेकिन प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। कैंगरू पॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे हैंड मेड कफ्स मिलते हैं, सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है। और फैब्रिक में यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली नहीं मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ बस प्रीमियम कॉटन, जबकि मैं आपको बता दूं ये कॉटन नहीं है, 100% कॉटन यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि ये कॉटन नहीं है बल्कि कॉटन कम पॉलिएस्टर ब्लेंड इसमें थोड़ा ज्यादा है। लेफ्ट स्लीव में भी आपको ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर हुडी की बात करें ना, सीधी बात कहूं मीशो से आया हुआ प्रोडक्ट लगता है। अमेजोन में देखो हर चीजें अच्छी नहीं मिलती, लेकिन जो चीज मिलेगी अच्छी वो बेस्ट होती है, तो ये वो नहीं वाला प्रोडक्ट है। और ये नहीं इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसकी प्राइसिंग ना भाई 999 है। अगर ये 500 में होता मुझे बेस्ट लगता। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूं ये सारी चीज आप पीछे देख लो। वैसे अगर गाइस आपको सेल्स या डिस्काउंट्स में इंटरेस्ट है, मेक श्योर कि जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको हम डेली बहुत सारे सेल्स एंड डिस्काउंट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वेरी रेयर ऑनेस्ट रिव्यूज अच्छी लगती है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।